मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंबरा के पुराना पेट्रोल पंप पर और यहाँ पर जो है आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम जो है NRC, NPR और CAA के बारे में जो है लोगों को जानकारी देने का था, जो लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुँचाई जा सके और इस मंच से जो है लोगों को इसके बारे में जानकारी भी पहुँचाई गई। और ख़ास तौर पर जो भारत के मुल्क है, इस मुल्क की सलामती के लिए जो है यहाँ पर दुआ भी मांगी गई और सरकार के ख़िलाफ़ भी नाराज़गी जाहिर की गई कि इस कानून को लेकर जो है सरकार के ख़िलाफ़ भी यहाँ नाराज़गी जाहिर की गई कि सरकार इस कानून को वापस ले। लेकिन किस तरह से जो है इस कानून के ज़रिए लोगों को नुकसान हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर इस मंच से जो है जानकारी दी गई है। और जो तिस्ता सेटलवाद है वो यहाँ पर जो सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सेटलवाद यहाँ पर मौजूद थी, हमने जो उनसे बात की है वो आपको सुनाते हैं। भारत में जो लागू किया जा रहा है किस तरह से है और कितना डेंजर कानून है? देखिए, इसमें तीन चीज़ें। एक तो मतलब जो नागरिकता दुरुस्ती कानून जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो बुनियादी स्तर पे गैर संवैधानिक है और असंवैधानिक है क्योंकि समानता और बराबरी के खिलाफ जाता है। एक धर्म और मज़हब की लकीर काट के। जहाँ तक NPR NRC का सवाल है, ये बुनियादी स्तर पर ये कानून नहीं है, एक तरह के नियम है। NPR NRC का जो पॉलिसी या नियम है वो 2003 में नियम लाए गए हैं नागरिकता कानून को लगा करके। और पहली बार नियम के ज़रिए एक ताल्लुक लेवल ऑफिसर को बहुत ज़्यादा एक अधिकार देकर किसी की नागरिकता को तोड़ने का अधिकार दिया है कि वो एक ताल्लुक लेवल ऑफिसर ये या तो सवाल पूछ के या कागजात देकर ये निर्णय लेगा कि आप वाकई नागरिक हैं या संदेशी सिटीज़न है, डाउटफुल सिटीज़न है। हमारा मानना है कि जब नागरिकता कानून ऐसा कोई अधिकार किसी को नहीं देता कि कागजात या कोई सवाल के बुनियाद पे किसी को गैर नागरिक ठहराने का, तो ये नियम कैसे बने, ये गलत है, इनको वापस लेना चाहिए। तो जिस तरह से आज यहाँ पर जो आप लोगों की तरफ से जानकारी दी गई है खासकर NRC और NPR के बारे में, तो जो भारत के रहने वाले लोग और दूसरे जगह रहते हैं जैसे विदेशों में है, तो वो भारत में जो है उनके बच्चे वहाँ हुए हैं तो उनको भारत में जो है किस नज़र से देखा जाएगा? क्या उन्हें यहाँ भारत का नागरिक माना जाएगा या सरकार उनके खिलाफ? मेरी तकरीर में ही कहा, यह सवाल बार बार आता है कि अगर मैं भारत की नागरिक हूँ और मेरी बेटी या बेटा बाहर पैदा हुआ जब मैं बाहर रह रही थी, तो सेक्शन 6 साफ अधिकार देता है कि अगर माँ बाप भारत के नागरिक हो और कोई अवैध प्रवासी न हो तो फिर बेटे या बेटी आपके बिल्कुल यहाँ के नागरिक हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। मगर ये उथल पुथल जो जनता आवाम में मचा रखी है सरकार में, जब बेरोज़गारी महंगाई की बात करनी चाहिए थी, मैं मानती हूँ ये पूरी डाइवर्जनरी टैक्टिक है और इसीलिए हम इसको विरोध कर रहे हैं। सरकार जो कागज़ के आधार पर नागरिकता तय कर रही है, क्या ये गलत है या सही? ये गलत है और गैरकानूनी है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।